इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी M50S। दोस्तों बहुत ही जल्द सैमसंग की M सीरीज का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये सैमसंग का पहला फ़ोन होगा जिसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगा 65 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। दोस्तों ये सैमसंग का बजट कैटेगरी का फ़ोन होने वाला है, जिसकी प्राइस काफ़ी कम होने वाली है और इतनी कम प्राइस में फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M50S के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो फ़ोन की बैक साइड में आपको वही पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा विद ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिलने वाली है, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 65 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। दोस्तों फ़ोन के रियर कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और आपको फ़ोन के कैमरा में कई सारे फीचर्स इनेबल देखने को मिलेंगे, जैसे कि AI ब्यूटी, AI पोर्ट्रेट, पेनोरोमा और HDR। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों ये सैमसंग का पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक नया और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी, कोई भी गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा सैमसंग का वन UI 2.0। दोस्तों फ़ोन की बैटरी की बात करें तो फ़ोन में आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी, जो कि 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी का सपोर्ट आपको मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको फ़ोन में मिलेगा और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड एंड सिम स्लॉट भी फ़ोन में आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरियंट के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अगर बात करूँ फ़ोन की प्राइस के बारे में तो बेस्ट वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 20,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में जनवरी 2020 तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।